न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सोमवार को दरभंगा पहुंचे। इस दौरान लहेरियासराय स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जीतन राम मांझी का कहना है कि महागठबंधन में वार्ता एवं अन्य मुद्दों पर बैठक और निर्णय लेने में देरी होती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर तेजस्वी यादव द्वारा ध्यान न दिए जाने पर महागठबंधन को छोड़ दूसरी ओर जाने का फैसला लेना पड़ा। लहेरियासराय स्थित अतिथि गृह में सोमवार को दरभंगा पहुंचने पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन में वार्ता एवं अन्य मुद्दों पर बैठक और निर्णय लेने में काफी देरी होती है। हमारी ओर से फरवरी में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, बार बार बोलते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर मार्च और अप्रैल में भी कहा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्या हमने पहले ही कह दिया था कोऑर्डिनेशन कमेटी जब तक नहीं बनाएंगे? अहमद पटेल से भी इस संबंध में वार्ता हुई थी। महागठबंधन को मजबूती दिलाना है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हर हाल में आवश्यक हो जाती है। तब तक महागठबंधन में नहीं रहेंगे, मजबूर होकर दूसरी ओर जाने का फैसला लेना पड़ा और अंत में 20 अगस्त को हमने महागठबंधन छोड़ दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इसी उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया, जिसमें युवा, बेरोजगार, महिलाएं, पिछले के लिए काम करना। श्री मांझी ने कहा कि जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बना था तो सिर्फ बिहार ही नहीं, समूचे देश में अपने काम के बदौलत चर्चा में आया था। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कुछ काम किया था, जिसमें MSEIU में नामांकन को लेकर निर्धारित न्यूनतम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर नामांकन होते थे, जिसमें ज़्यादातर छात्र प्रदेश के बाहर जाने पर विवश थे। हम दे इसे घटाकर 32% तक पास होने वाले छात्रों को भी नामांकन में हमारे प्रयास से दिलाया गया था। बिहार की प्रतिभा बिहार में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया। हमने BPSC की बैठक में कहा था, हमने प्रयास किया था प्रमोशन में शेड्यूल्ड कास्ट को प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ, प्रमोशन में लाभ मिले। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में बिहार विधानमंडल आरक्षण बचाव समिति का गठन किया गया, जिसमें श्याम रजक और लालन पासवान दोनों कॉन्वेंट एवं सचिव बने थे, जिसमें 40 में 32 विधायकों का अहम रोल था। श्री मांझी ने कहा कि जो हमारे सिद्धांत के नज़दीक पाए जाएंगे हम उनके साथ काम करेंगे। यह कतई भी नहीं समझी जानी चाहिए NDA के साथ जा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के 4 मुद्दों को हम लोगों ने उठाया था समिति के माध्यम से, जिसका समर्थन सुशील मोदी ने किया था, सबसे आगे बैठकर इसका समर्थन किया था और कहा था हम भी इसके पक्ष में हैं, जिसका हमने उन्हें धन्यवाद भी दिया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की बातें करने वाले लालू प्रसाद यादव या फिर इनके लोगों के मुंह से कभी एक शब्द भी शेड्यूल कास्ट के मुद्दों पर नहीं खुली, कुछ भी बोला नहीं। इसलिए हम कर सकते हैं 4 मुद्दों पर समर्थन रहेगा, उन्हीं के विचारधाराओं के साथ रहेंगे। इस चीज को लेकर के प्रशासन यहाँ का कैसा है कि जिसने कोई एक्शन नहीं लिया और जिसने के परिवार के अन्य लोग एग्जिट हो करके जनतांत्रिक तरीके से अपना वॉइस रेज कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में केस मुकदमा हुआ और उस परिवार को लोग मारा है और उस लोगों से विशेष स्थिति को समझ करके इस मामला को हम ढंग से देखती थी। दरभंगा महिला पुलिस थाना केस नंबर 40/2020 के संबंध में, इसमें एक बच्ची जिसका नाम है नंदिनी कुमारी, उसका उम्र है 2.5 वर्ष और वो बीनू भंडारी ये बच्ची है, वो रहने वाली ग्राम रजौन की है, थाना कमतौल का। तो 3/6/2020 को उसके साथ बलात्कार की घटना घटी है और तब से आज तक यहाँ DMCH में वो स्वास्थ्य लाभ कर रही है। इसकी चर्चा मीडिया से और यहाँ के कार्यकर्ताओं से हमें मिली
और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आज हमने सोचा चल करके, हमारे साथ महिला नेत्री हैं, टीम राज्य स्तरीय नेता लोग हैं, ज्योति देवी हैं, फिर गीता पासवान हैं, फिर साधना देवी हैं, ये सब हमारे राज्य स्तरीय नेत्री हैं, ये आई हैं, ये बच्ची से बात करेंगे, हम बच्ची के परिवार से बात करेंगे और चिकित्सा प्रभारी जो हैं मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट या असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जो भी हों उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ इस केस के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि परिवार के लोग या इनके सहानुभूति करने वाले लोग आंदोलन का रूप दिया था, इसलिए कि कार्रवाई होने में विलम्ब हुआ था, जिसके फलस्वरूप हो सकता है रोड जाम किए हों या नारा दे रहे हों प्रशासन के खिलाफ। इसी संदर्भ में एक केस भी हम देख रहे हैं, वो राजेश कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी जाले ने किया है और वो भी शायद जाले पीएस से का के कम ने कम तौल पीएस का केस नंबर 192/20/2000। तो उसके तहत काफ़ी लोगों को लग रहा है कि कम से कम 25-26 लोगों को जाले बनाया गया है और हद से हद उसमें हम देख रहे हैं कि सिविल कास्ट एक्टिविटी एक्ट भी लगाया गया है। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आलोक में राज्य जिला एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक के लिए ओपी बनाना है। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने बिहार के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के मद्देनजर आगामी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आलोक में राज्य जिला एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक के लिए SOP बनाना है। मतदान केंद्र के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पेपर ग्लव्स के संबंध में गाइडलाइन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों का सैनिटाइजेशन का काम ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाए। मतदाता मास्क पहनकर मतदान केंद्र पर आएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु सभी जिलों में मतगणना के लिए अतिरिक्त वज्रगृह की जरूरत पड़ेगी। यदि एक ही वज्रगृह में पर्याप्त स्थान है तो ठीक है, नहीं तो अतिरिक्त भवन की जरूरत पड़ेगी। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसके लिए पर्याप्त स्थल वाला अतिरिक्त बड़ा भवन चिन्हित कर लेने के लिए निर्देश दिए गए। इस बार कोविड-19 के मद्देनजर निर्वाचन कार्य में सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत है, इसलिए प्रशासन को चुनाव कार्य एवं प्रत्याशियों को चुनाव प्रसार के लिए बड़े बड़े मैदान की जरूरत पड़ेगी। एक आदमी के लिए 3 फीट के रेडियस में स्थान की आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक विधानसभा वार्ड उपलब्ध मैदानों की क्षमता का आकलन करते हुए चिन्हित कर लिया जाएगा। झंझारपुर प्रखंड के संत नगर एवं काको गांव में भाजपा सप्तऋषि शक्ति खंड का बैठक किया गया। झंझारपुर प्रखंड के संत नगर एवं काको गांव में भाजपा सप्तऋषि शक्ति खंड का बैठक किया गया, जिसमें शक्ति खंड के सभी सप्तऋषि एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तन मन धन से लगने की बात कही। बैठक में बद्रीनाथ मिश्रा, संगठनिक जिला उपाध्यक्ष झंझारपुर कमलेश झा, भाजपा कार्यकर्ता देवचंद्र मंडल उर्फ तिवारी बाबा, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा अजय कुमार झा, पश्चिम मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा झंझारपुर प्रकाश कुमार झा एवं महेश कुमार झा उपस्थित थे। आज संत नगर शक्ति केंद्र का बैठक हुआ, जिसमें सप्तऋषि के साथ बैठक किया गया और हर बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर में BLO 2 के साथ समीक्षा बैठक हुई और ITCL का नियुक्त किया गया और आगामी तन मन धन से चुनाव में लग जाना है, यही आह्वान के साथ हम लोग बैठक किए हैं, इसी के साथ समाप्त किए। अब क्या नाम है सर? बद्रीनाथ मिश्रा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। रोमी हत्याकांड में हुए मुकदमे में निष्क्रिय पुलिस व पीड़ित परिवार के सदस्यों को फंसाएंगे, झूठे मुकदमे को लेकर
सिंगवारा के भपुरा गांव में इंसाफ मंच के पहल पर बैठक आयोजित हुई। रूमी हत्याकांड में हुए मुकदमे में निष्क्रिय पुलिस व पीड़ित परिवार के सदस्यों को फंसाए गए झूठे मुकदमे को लेकर सिंगवाड़ा के भपुरा गांव में मेराज के दरवाजे पर इंसाफ मंच के पहल पर बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व उप प्रमुख एजाज अहमद अथर बबलू ने किया। बैठक में पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अरशद मरगूब, हाफिज गुलाब, मोहम्मद तमन्ने, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मेराज, राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद वासिद, मोहम्मद मुन्ना, रहमान खान, लड्डू नदीम आदि कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। बैठक में वक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया कि जिला परिषद सदस्य जमाल अतहर रूमी को डीएमसीएच में हुई हत्या का एक महीने से अधिक समय हो जाने के बाद भी पुलिस ने मुकदमे में कुछ नहीं किया और दोषी डॉक्टर छुटे घूम रहे हैं। रूमी के पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसको लेकर सर्वसम्मति से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत रूमी हत्याकांड के दोषियों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार पर हुए झूठे मुकदमा की वापसी के सवाल पर 2 सितंबर को मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में बड़ी भागीदारी कराने का संकल्प लिया गया है। 11 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा सहित अन्य दलों के समर्थन देने के आलोक में 14 पंचायत के बाढ़ राहत सामग्री वितरण में भारी अनियमितता बरतने हनुमान नगर के सीओ एवं वीडियो द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। नगर प्रखंड के बाढ़ पीड़ित मूल रूप से सिंहवारा पंचायत के पंचायत में वीडियो पदाधिकारी एसडीओ और डीएम के द्वारा जो अनियमितता की गई है बाढ़ पीड़ितों के साथ, उसके विरुद्ध आज एक दिवसीय धरना स्थल पर दी जा रही है। उसमें 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना आज यहाँ दिया जा रहा है। मूल रूप से बाढ़ दरभंगा जिला में लगभग प्रतिवर्ष आता है, लेकिन हनुमान नगर प्रखंड बाढ़ से अधिक प्रभावित हो जाता है, क्योंकि यह देखा गया है कि नेपाल से जो पानी चलती है वह हनुमान नगर में ही आके रुकता है। हनुमान नगर को बाढ़ के पानी का नैहर माना जाता है और वहाँ के लोग अधिक से अधिक विस्थापित होते हैं, जो जाके कहीं लोग पचफुटिया पे रहते हैं, कुछ समस्तीपुर में रहते हैं, कुछ हाईवे पे रहते हैं, कुछ समस्तीपुर रोड पे रहते हैं। इस बार तो बाढ़ का इतना बड़ा कहर आया जो 2087 और 2004 से भी बड़ा बाढ़ इस बार 2020 में आया। इस बार कोई भी घर अछूता नहीं रहा, वह घर चाहे झोपड़ी का हो, फूस का हो, पक्का का हो, सब घर में पानी घुस गया और सभी लोग माल मवेशी लेके ऊंचे स्थान पे विस्थापित हो गए। नाव की इतनी दिक्कत हुई कि लोग हेल हेल के छाती भर पानी हेल के जो है ऊंचे स्थान पर जाके विस्थापित हुए। लेकिन यह गठबंधन के सरकार के द्वारा, एनडीए के सरकार के द्वारा किसी तरह से बाढ़ पीड़ित को समुचित व्यवस्था नहीं की गई। तत्वावधान में दिनांक 24/8/2020 दिन सोमवार पूर्वाह्न 10 बजे से हम लोग एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम धरना स्थल दरभंगा स्थल पर कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को समर्थन हमारे महागठबंधन के साथी, महागठबंधन के दलों के नेता लोग कर रहे हैं, यथा कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, राकापा, वीआईपी और जो हमारे साथी हैं रालोसपा के, ये सारे लोग समर्थन दे रहे हैं। कुछ ही क्षणों में वो लोग भी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, जिला स्तरीय अध्यक्ष जी लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 11 सूत्री मांग की आवश्यकता इसलिए पड़ गई जो हायाघाट के बाढ़ आपदा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं वीडियो हनुमान नगर, ये दोनों मिलकर के सिंहवाड़ा पंचायत में जो पिछले दिनों राहत सामग्री, तैयार राहत सामग्री का जो वितरण किया, उन्होंने बिचौलियों के माध्यम से 600 पैकेट का को देने का काम किया, भिजवाने का काम किया।
कहने के लिए तो वो सरकारी कर्मचारी से रिसीव कराते हैं, लेकिन यहाँ लोग सरकारी कर्मचारी को मोटरसाइकिल के को धक्का दे करके गाली गलौज करा करके रिसीव करा करके वहाँ से जाते हैं दिखावे के लिए। ये दोनों पदाधिकारी स्टीमर लेके घूम जाते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति में वो बचना नहीं होता है। जब जनप्रतिनिधि उस पंचायत के मुखिया वार्ड मेंबर इनको कहते हैं टोकते हैं तो उसके साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं और धमकाते हैं। मदन सहनी के द्वारा बहादुरपुर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित औजोल ओबामा तारालाही पंचायत की जनता को पूरी खीर सब्जी का भोजन कराया गया। दरभंगा में कोरोना महामारी के दौरान भी बच्चों से परीक्षा फीस लिया जा रहा है। शिक्षक गौरव कुमार का कहना है उन्हें आदेश है फीस लेने का। दसवां का कितना पैसा लिया गया है? 981। रसीद दिया है? दिया। पैसा जो दिया उसका रसीद दिया आपको? नहीं नहीं दिया। क्या नाम है आपका? नीतू कुमार। पिताजी क्या नाम है? प्रेमदास। ले रहे हैं परीक्षा फीस के रूप में जनरल और BC2 बच्ची को 840 रुपये और स्कूल का फी उसको 141 रुपये। कोरोना महामारी के समय में जिलाधिकारी का सख्त आदेश है कि स्कूल में फीस नहीं लिया जाए, फिर भी आप फीस क्यों ले रहे हैं? आदेश कहाँ है सर? आदेश नहीं है। अच्छा, पैसा ले रहे हैं उसका रिसीविंग दे रहे हैं? हाँ जी दे रहे हैं, अभी आपको दे रहे हैं। रिसीविंग दे रहे हैं? बच्चे लोग को दिए हैं रिसीविंग? हाँ हाँ सबको मिलेगा, अभी नहीं तत्काल नहीं दिया जा रहा है काम बहुत। अभी आपने पैसा लेके रिसीविंग दिया है किसी को? जी जी मिलेगा, आपको भी दे रहे हैं, आपको भी हम दे रहे हैं। हमारी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं जी। पैसा लेने के बाद किसी को रिसीविंग दिया है अभी? दिया नहीं, बोला है एक दो दिन में दे देंगे। क्यों एक दो दिन में बोला है? पैसा लीजिएगा आप, रसीद दीजिएगा एक दो दिन के बाद? क्यों? काम के भीड़ के वजह से तुरंत बहुत काम है। स्कूल में टीचर नहीं है? टीचर तो है। टीचर कितने है? टीचर है 32 टीचर। आज कितने टीचर आए हैं? टीचर है, तीन चार टीचर आए हैं और टीचर एब्सेंट है। टीचर 32 टीचर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पर है? सभी ऊपर गए हैं, उड़ा घूम लिए हैं, सब रूम में भरा रहा। कितना टीचर आए हुए हैं? वो तो काम तो हम करेंगे तब तो आप हमसे। आपका क्या नाम है? गगन कुमार। क्या है आप यहाँ? टीचर है। मुंबई के बाद अब पिछले कई सालों से गणेश पूजा का उत्साह दरभंगा में भी देखने को मिलता है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करते हुए अपने घरों के दरवाजों पर ही गणेश उत्सव मना रहे हैं लोग। We'll be right back.
बाबा का पूजा कर रहा हूँ। इस बार धूमधाम से नहीं बना, इसलिए हम लोग अपने घर में बनाए। लॉकडाउन का पालन करते हुए मैं देखता हूँ कोरोना, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द कोरोना हट जाए। क्या नाम हुआ, कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 8 क्लास में पढ़ता हूँ। यह जो गणेश महाउत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव है और अपने बिहार में भी लोग शुरू उल्लास से मनाते हैं। अपने यहाँ चौरचन के दिन और तीर्थ के दिन भी गणेश पूजा शुरू किया जाता है। अपने यहाँ 22 तारीख से पूजा शुरू हुई है, आज तीसरा पूजा है। अपने दरभंगा में मुशरफ बाजार, दिग्घी और जटियाही, लालबाग मोहल्ला में और बेता में, पंडासरा में बहुत बड़े पैमाने पे उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो देश की स्थिति है, परिस्थिति है, उसको देखते हुए सरकार के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है लॉकडाउन का, उस पर मद्देनज़र रखते हुए सभी लोग अपने अपने घरों में सार्वजनिक जगह पर पूजा नहीं करके अपने अपने घरों में गणेश जी का छोटा सा प्रतिमा बैठा कर पूजा किया है और एक परिचय भी दिया है कि देश के हित में जो कार्य होना चाहिए वह सभी लोग अपने अपने घरों में बड़े पूजा को करके एक अच्छा संदेश दिया है कि सरकार का द्वारा जो आदेश पारित है उसका सभी लोग सम्मान किए हैं। आज हम लोगों का ये रोहनगंज में बड़ी भव्य तरीका से होती थी पूजा, ये दूसरा साल है यहाँ का और इस बार हम लोग अपने घर में ही कर रहे हैं पूजा, जो कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूजा हो रही है। बच्चे लोग बीच में भाग ले रहे हैं, ये बच्चों का ही पूजा हुआ माना जाए, ये बच्चे लोग मिलकर पूजा किए, हम लोग थोड़ा सा सहयोग कर दिए हैं, बच्चों का उत्साह बढ़े इसलिए हम लोगों ने सहयोग किया इस बार। और इस पावन अवसर पर गणपति बाबा से निवेदन का बाबा से दुआ करेंगे कि बच्चे को ज्ञान दे और यह जो कोरोना वायरस महामारी है उसे जल्द से जल्द मुक्त करे सभी लोग। नाम राजीव प्रकाश मधुकर। नगर पंचायत झंझारपुर में बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। पशु चिकित्सा पदाधिकारी राजीव रंजन अपनी टीम के साथ नगर पंचायत पहुंचकर स्थल का जायजा लिए। सर, नगर पंचायत में बंदरों ने उत्पात मचा रखा है सर, तो आप लोग आए हैं सर, तो आप लोग कितना जगह पिंजरा लगाए हैं? पिंजरा ये हमारे पास अभी 3 लेके आए हैं। प्रयास करेंगे जो अल्फा मेल होता है, ठीक, जो ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ठीक, उसको यदि हम लोग लेके जाएंगे तो ऐसा सोचा जाता है कि यहाँ पर शांति आ जाएगी। प्रयास ये करना है कि हम लोग बंदर को खाना दे देते हैं जी। खाना दे देते हैं तो वो अपना अधिकार समझता है, फिर वो खाना के चक्कर में, वन्य जीव प्राणी है, बाढ़ का समय है तो वो भी भोजन की तलाश में हम लोगों की तरफ आता है। सर कहाँ से आए हैं आप और ये अब दरभंगा में आते हैं या मुजफ्फरपुर? ये मेरा तिरहुत वन प्रमंडल मुजफ्फरपुर। मैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, करीब 8 जिले के हम पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर राजीव रंजन। सर, नगर पंचायत में बंदरों ने उत्पात मचा रखा है, तो इससे आप लोगों को परेशानी होती होगी सर? परेशानी ही नहीं, बहुत कुछ यहाँ हो रहा है, कई आदमी घायल हुए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, पूरी तरह से। और इतना ही नहीं,
घर में घुस के अनाज को भी बर्बाद करते हैं, फल सब्जी को बर्बाद करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार भंडारी, सांसद प्रतिनिधि झंझारपुर। सांसद प्रतिनिधि झंझारपुर। अभिषेक इंडस्ट्री ने आज डिटर्जेंट पादों की एक नई श्रृंखला की घोषणा की, जो कि बिहार झारखंड में उपलब्ध होगा। अभिषेक इंडस्ट्री के तहत भोले कैम कमला दर्शन देव नाम से ब्रांड मार्केट में उपलब्ध है। क्या इसमें तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज आप लोग हमको आके सपोर्ट कर रहे हैं हमारी कंपनी को, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं सर, बिहार में फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारी आई है, जो कि अभिषेक इंडस्ट्री के नाम से है। हमारी कंपनी से बहुत सारी प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च की है, जैसे सुपर डिटर्जेंट केक, ठीक है, हाफ डिटर्जेंट केक, हाफ के जी के, एक के जी के डिटर्जेंट केक है। साथ ही में सर अभी का सिचुएशन देखते हुए हम लोग व्हाइट फिनाइल लॉन्च किए हैं, ब्लैक फिनाइल लॉन्च किए हैं, और साथ साथ में अभी सैनिटाइजर भी लॉन्च हुई है, जो कि हर्बल है सर, ठीक है, इसमें आपको मात्र 70% एथिकल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगरबत्ती हैं, ठीक है, जो हम लोग पूजा पाठ में यूज़ करते हैं। साथ साथ में सर ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हम लोग लॉन्च तो कर रहे हैं, लोग इसको खरीद सकते हैं। साथ साथ में जो लेडीज़ लोग हैं, ठीक है, नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लेडीज़ जो होती है या स्टूडेंट होती हैं या हाउस वाइफ होती हैं, वो बाहर में काम वगैरह नहीं कर पाती है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उन्हें इनकम की प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो चाहे तो घर बैठ के ऑफलाइन ऑनलाइन जिस वे में चाहे उस वे में वो बिजनेस कर सकती है हमारे प्रोडक्ट से, तो हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं उन्हें। मेरा नाम रोशन मिश्रा है जी, मैं अभिषेक इंडस्ट्री से हूँ। अभिषेक इंडस्ट्री हमारा ब्रांड आ रहा है वेलोकैम, इसमें सर ये हमारा सुपर डिटर्जेंट लॉन्च किया है आज हमने, ये हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो दरभंगा बेस्ड है, ठीक है। हमारा मार्केटिंग चल रहा है अभी सर बिहार झारखंड दो स्टेट में। ये सुपर डिटर्जेंट है जिसमें आप इसको मशीन वॉश और मैनुअल वॉश दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें पावर है इंजमी का जो बैक्टीरिया मारता है, और आपका जो फैब्रिक है सर वो मतलब नए जैसी चमक बरकरार रखता है। जहाँ आजकल मार्केट में स्टेबल कंपनियाँ सुपर डिटर्जेंट के नाम पर लूट रही है, जिनका प्राइस 150 से 180 के बीच में है, वहाँ पे हमने इसको लॉन्च किया 98 MRP में। ये हमारा ISO सर्टिफाई है और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है जो दरभंगा बेस्ड है, और हमारा अपना ही मार्केटिंग है। जैसा अभी गवर्नमेंट कह रही है वोकल फॉर लोकल, तो सर उसके तहत हमने इसको लॉन्च किया है। ये हमारा पहला स्टेप था वोकल फॉर लोकल के लिए, और बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी यूज़ कीजिए और इसका फीडबैक दीजिए सर। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई, दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद।